असदुद्दीन तैमूर, ओवैसी जैसे लोग सर जब ये बोलते हैं कि हम औरंगजेब के समर्थक नहीं हैं या हम कोई मुगलों की तारीफ नहीं कर रहे जिन्होंने आक्रमण किया हिंदुस्तान पर, लेकिन हम चाहते हैं कि ये देश संविधान से चले, और संविधान का हवाला देते हुए वो बार बार ये कहते हैं कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना वो ये कहता है कि 1947 के समय की जो स्थिति थी धार्मिक स्थलों को लेकर वो स्थिति वैसी ही बनी रहेगी, और ये उनकी विरोध का मुख्य आधार है। इस हाँ तो दलील को कुछ लेकर तो आपका नजरिया क्या है? कर लीजिए, प्रॉफिट मोहम्मद की तरह जो वावेला आप मचाते हैं कि हम मुसलमान हैं ये करें, तो एक बेवा से पहली शादी हर मुसलमान मर्द को एक बेवा से शादी करनी चाहिए, तो करके तो दिखाए 1400 साल में। औरत ने कहा था प्रॉफिट मोहम्मद को कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं, ये कोई लड़की कह दे तो उसकी गर्दन काट देंगे हिंदुस्तान में। वी आर गोइंग अपसाइड डाउन, कहने को कुछ और करने को कुछ और, हर चीज के अंदर जब चाहे बिरयानी खाने में तो हिंदुस्तानी, और हिंदू को गाली देनी है तो अरब बन जाते हैं। यानी आपका हीरो टीपू सुल्तान बन गया, वो कैसे बन गया भाई? वो हिंदुओं को मार रहा है, वो नीचे जा रहा है, आप किस किस को हीरो मानेंगे? कोई है ऐसा शख्स जिन जो मुसलमान आए और रहे पंजाब में, सिखों ने उनको रेकग्नाइज किया, उनकी जो वो हैं जहाँ दफन किया गया है उनको लोग उतनी अदब से देखते हैं, मैंने दिल्ली में भी देखा है, जैसे मुसलमान हैं वैसे हिंदू भी जाते हैं। एंड इट इज़ ए ग्लोरियस सिविलाइजेशन। देखिए, हिंदुस्तान से बेहतर दुनिया में कोई एक सिविलाइजेशन अभी बची नहीं है। जहाँ पे भी अरब या टर्क्स गए हैं, दे हैव वाइप्ड आउट दी एबोरिजिनल इंडिजिनस कल्चर ऑफ दैट लैंड। ईरान से जोरास्ट्रियनिज्म खत्म कर दिया, हर शख्स मुसलमान हो गया जोरास्ट्रियन से। इजिप्ट के अंदर इजिप्शियन सिविलाइजेशन खत्म कर दी, टर्की का पूरा इलाका, और वहां भी आप देखिए कि हाजिया सोफिया, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च हेडक्वार्टर, उसको मस्जिद बना दिया आपने। तुर्किस्तान, सीरिया के अंदर मस्जिद चर्च था जो, उसको उमैयद मॉस्क बना दिया डमास्कस में, और पोप से आके कहा कि इसको रिकग्नाइज करो। मतलब कभी तो छोड़ दें दादागिरी का माहौल। ये वी आर इन दी एज वेयर वी नीड टू यूज आर हेड्स टू सॉल्व दी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। हिंदुस्तान पाकिस्तान में गर्मी ये ऐसी हो रही है, दरिया सूख गए हैं, लोग परेशान हैं, और इनको पड़ी हुई है कि नहीं यहां से मंदिर नहीं बनने देंगे, मस्जिद। हर इंडियन पाकिस्तानी मुसलमान को पता है कि ये हमारे चोर ने आके, मुसलमान ने एक मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई, कोई डिनाई नहीं करेगा। किस कानून का सहारा लेंगे? इंडियन पार्लियामेंट्री एक्ट का। भाई मुझे मुझे तुमने तारिक फतेह अपनी साहब एक बात जिंदगी में बताइए। अंग्रेज के जमाने में कभी कहा कि ये गलत बना? एक अननेसेसरी न्यूसेंस। और मुसलमान बेचारे जो ऑर्डिनरी जिंदगी गुजार रहे हैं, जो गांव में रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं या नौकरी करते हैं, उनकी जिंदगी हराम कर देते हैं। दे रिफ्यूज टू लेट हिंदूज एंड मुस्लिम्स कम टूगेदर एंड इंजॉय द फूड और द कल्चर और द म्यूजिक। हम सब एक ही चीज खाते हैं, वैसे ही कपड़े पहनते हैं, वैसे ही हमारा हंसी मजाक है, वैसे ही हम तंज एक दूसरे पे करते हैं। बाहर की दुनिया देखती रहती कि कौन लोग हैं। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।